कि दोनों में बहुत ज़्यादा गैप है एज वेल एज दे आर डिफरेंस इन देअर मैंटेलिटीज़ उनके मेंटेलिटीज़ में भी बहुत डिफरेंस है इफ़ आई टॉक अबाउट द यंग पीपल अगर मैं यंग पीपल की बात करूँ दे आर रियली क्यूरियस वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है एक्साइटेड है एंड वॉन्ट टू ट्राई न्यू एक्टिविटीज़ विद दियर फ्रेंड्स अलॉन्ग विद डिज़ायर फॉर फुल फ्रीडम और साथ में वो न्यू एक्टिविटीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ करना चाहते हैं और साथ में उनकी एक डिजायर भी है कि उनको फुल फ्रीडम मिले बट ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी साइड दर पीपल स्टिल हैव ट्रडिशनल थिंकिंग उनकी थिंकिंग अभी भी थोड़ी ट्रडिशनल एंड लव टू स्पेंड मोर टाइम विद योर फैमिली देन विद फ्रेंड्स और वो टाइम अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा स्पेंड करना चाहते हैं टू द ये तो था हमारा नो में आंसर अगर आपको बहुत सारे कॉमन ग्राउंड है जहां पर वो सेम इंटरेस्ट शेयर कर सकते हैं बिकॉज बोथ जनरशन अंडरस्टैंड आउटडोर एक्टिविटी क्योंकि दोनों जनरेशन समझती हैं कि आउटडोर एक्टिविटीज करने के क्या बेनिफिट्स हैं दे बोथ वैल्यू फैमिली दोनों फैमिलीज की भी वैल्यू करते हैं हैंट टू स्पेंड टाइम भी दे एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड करना चाहते हैं सो दे जो इंगेजिंग इन आउटडोर एक्टिविटीज़ तो उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ करने में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं सच एज गार्डनिंग जॉगिंग साइकिलिंग योगा एंड मेडिटेशन सो वन नेक्स्ट इज वट स्किल्स कैन द ओल्ड टीच द यंग जो ओल्ड पीपल हैं वो यंग लोगों को क्या सिखा सकते हैं फर्स्ट इज लाइफ लेसन पहले तो लाइफ लेसन है क्यों एज देव एक्सपीरियंस ऑफ देयर होल लाइफ उनके पास एक्सपीरियंस है उनकी पूरी लाइफ का दे हैल्टीपल पर्सनैलिटीज थ्रू आउट देयर लाइफ उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे टाइप के लोगों से मिले हैं सो दे कैन शेयर देयर एक्सपीरियंस एंड एडवाइस दैम टू टीच द राइट पाथ तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करके इंस्पायर कर सकते हैं एडवाइस दे सकते हैं कि उनको कौन सा पाथ चूज़ करना चाहिए मोर ओवर द ग्रे हेड्स कैन ऑल्सो टीच सम एसेंशियल स्किल्स और साथ में जो ओल्डर पीपल हैं वो बहुत सारी अच्छी स्किल्स भी सिखा सकते हैं लाइक डिसिप्लिन मोरालिटी वैल्यूज ऑनेस्टी हिस्ट्री एज दे हैव वास्ट नॉलेज अबाउट द क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होते किस चीज के बारे में हेरिटेज कल्चर पास्ट लाइफ स्टाइल एज वेल एज एडवाइस इन देयर करियर काउंसलिंग और साथ में उनके करियर के रिगार्डिंग भी उनको एडवाइस दे सकते हैं सो नेक्स्ट इज वट स्किल्स कैन द यंग टीच द ओल्ड अब जो यंग है वो क्या सिका सकते हैं ओल्ड को यंग पीपल कैन ऑल्सो टीच डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स टू ओल्ड जनरेशन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो सिखा सकते हैं एज दीज डेज यंग पीपल आर रियली इक्विप्ड विद टेक्नोलॉजी कि जो आजकल जो यंग जनरेशन है वो टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा फेमिलियर है इक्विप्ड है इक्विप्ड का मतलब है बहुत अटैच है कि वो टोटली डिपेंडेंट है ियर विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कि टेक्नोलॉजी से बहुत फेमिलियर है कैन टीच द ओल्ड पीपल वो सिखा सकते हैं हाउ टू यूज अ गैजेट गैजेट को कैसे यूज करे हाउ टू यूज अ रोबोट एंड सेवरल गेम्स और बहुत सारी गेम्स भी दैट विल हेल्प दैम ऑपरेट द टेक्नोलॉजिकल गैजेट जो उनको हेल्प करेगी गैजेट को यूज करने में टू पास देयर फ्री टाइम इन अ प्रोडक्टिव मैनर कि ताकि वो जो अपना फ्री टाइम है वो उसको बहुत प्रोडक्टिव तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से स्पेंड कर सके दे कैन ऑल्सो टीच दैम द न्यू मैथड ऑफ रिलैक्सिंग नए मैथड सिखा सकते हैं रिलैक्सेशन के एज वेल एज कैन इंट्रोड्यूस दैम टू वेरियस प्लेटफॉर्म्स और उन को ना बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स के बारे में बता सकते हैं वेयर द ओल्ड जनरेशन कैन टॉक विद देयर ओल्ड एज फ्रेंड्स कि जहाँ पर वो अपने ओल्ड एज मेट्स के साथ बातें कर सकते हैं एंड शेयर द एक्सपीरियंस विद अदर्स और जो अपना एक्सपीरियंस है वो बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे सकते हो एज ओल्ड पीपल हैव आर एक्सपर्ट एट कुकिंग एंड वेरियस स्किल्स सो दे कैन टीच द रेसिपीज ऑनलाइन सो द नेक्स्ट इज़ डू यू थिंक द ओल्ड पर्सन शुड लीव विद द फैमिली कि जो ओल्ड पर्सन है उनको फैमिली के साथ रहना चाहिए विदाउट अ डाउट द ओल्ड इंडिविजुअल शुड लीव विद देअ फैमिली कि रहना चाहिए एज दे आर पार्ट ऑफ अ फैमिली क्योंकि वो भी फैमिली का पार्ट एंड हैव स्पेंड देअर होल लाइफ और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ कैसे स्पेंड किया है वाई लुकिंग आफ्टर देयर चिल्ड्रेन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन अपने बच्चों की और अपने ग्रैंड बच्चों की देखभाल करने में मोर ओवर दे आर एक्सपीरियंस साथ में वो एक्सपीरियंस भी हैं सो दे कैन ऑल्सो एडवाइज अदर फैमिली मेम्बर्स इन देयर थिक एंड थिन सिचुएशन तो उनके पास एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है तो वो फैमिली मेम्बर्स को एडवाइस भी कर सकते हैं उनके डिफ़िकल्ट टाइम्स में थिक एंड थिन सिचुएशंस एक यीयम है जिसका मतलब होता है बैड टाइम्स सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब